झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ, कुछ ही दिन पहले इन्होंने एक आंदोलन किया था, एक सांकेतिक हड़ताल किया था पूरे राज्य भर में जितने भी उपायुक्त कार्यालय हैं। फिर हम उपायुक्त कार्यालय में हैं और फिर ये लोग पूरे कर्मचारी बैठ चुके हैं आंदोलन में। तो हम बात करना चाहेंगे जिला अध्यक्ष जी से कि इस बार की मांग आप लोग की क्या है। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के तत्वाधान में हम पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई के मनरेगा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल के दूसरे दिन धरना स्थल पर जिला मुख्यालय समारोह के समक्ष हम लोग धरना पर आए हुए हैं। हमारी मांग है नियमावली में संशोधन करते हुए हमें स्थायी किया जाए तथा हमें ग्रेड पे का भुगतान किया जाए। इस विषय को लेकर हम पिछले कई दिनों से आंदोलनरत है, परंतु सरकार हमारी मांग को अब तक अनसुनी करती रही है। चुनावी वर्ष में सरकार ने हमसे वादा किए थे संविदा संवाद तथा रात्रि चौपाल के माध्यम से। जैसे ही हमारी सरकार बनती है, हम आपको 3 महीना के अंदर संविदा से स्थायीकरण कर देंगे और किसी को आवाज़ उठाने की आवश्यकता नहीं। परंतु आप सरकार के 4.5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी हमारी तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया। विवश होकर हम मनरेगा कर्मचारी संघ के तत्वाधान में सभी मनरेगा कर्मी आंदोलन के लिए 22/7/2024 से आंदोलन कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे और इसी तरह अनवरत हम लोग जिला मुख्यालय के समक्ष धरना पर बैठे रहेंगे। कितने कर्मचारी हैं पूरे राज्य भर में? हम लोग का पूरे टोटल 6,000 कर्मचारी हैं मनरेगा। 6,000 कर्मचारी पूरी तरह हड़ताल में है? पूरी तरह हड़ताल में। सरकार से क्या आप लोग के लिए वार्ता के लिए सरकार बुलाए आप लोग को? अभी तक सरकार से वार्ता के लिए कोई उसे पहल हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग का अभी कल और परसों राज्य प्रदेश में हम लोग का एक बुलाया गया है सभी जिला अध्यक्ष को, तो इसमें सरकार बोले है कि हम वार्ता को रखेंगे। सरकार बोली है कि वार्ता करेंगे, लेकिन हड़ताल जारी है, अनिश्चितकालीन हड़ताल। मनरेगा है तो केंद्र सरकार की योजना है, तो इसमें राज्य सरकार क्या एक्टिवेट करते हैं? राज्य सरकार ही इनको यह करते हैं। राज्य सरकार तो केंद्र सरकार में फंड आता है, उसी फंड में आप लोगों को ही पेमेंट निकलता है। ये इसी के तो हम लोग का आज का आंदोलन का जो मेन मुद्दा है कि हम लोग को अभी जो है कॉन्टीजेंसी से पेमेंट होती है, कि अगर किसी पंचायत में अगर PD जनरेट नहीं कर पाए तो उसको मानदेय नहीं मिलता है। तो हम लोग का इसीलिए एक मांग है कि हम लोग का ग्रेड पे लागू किया जाए, अगर PD जनरेट नहीं भी होती है तो लोग का मानदेय बनेगा, ये हम लोग का मांग है। यह टेक्निकल चीज़ है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि लोग जब दिन भर उसमें काम कर रहे हैं, 30 दिन काम कर रहे हैं, 24 आवर काम कर रहे हैं, 365 दिन काम कर रहे हैं, तो इनको भी वही पे रिजीवन दिया जाए जो सभी सरकारी अधिकारी को मिलता है, यही आंदोलन है। क्या क्या पॉइंट है आप लोग का? 3-4-10 पॉइंट बताइए। मेरा एक सूत्री मांग है, नियमावली में संशोधन करते हुए हमें नियमित किया जाए तथा हमें ग्रेड पे का भुगतान किया जाए, बस यही हमारी एक सूत्री मांग है। सर क्या प्रॉब्लम है, सरकार क्यों नहीं मान रहे? हर चीज़ सरकार को आंदोलन धरना प्रदर्शन, और इस जैसे आप लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं घर तो पूरी तरह काम रुक गया, मजदूर का जो पेमेंट होता है वो रुक गया है, सरकार क्यों ऐसे कर रही है? तो सर इसके लिए सरकार स्वयं दोषी है, क्योंकि आज से राज्य सरकार हम लोग राज्य सरकार के कर्मी हैं, सेंट्रल के नहीं हैं, हम लोग राज्य सरकार के कर्मी हैं। और ये जो आप बोल रहे हैं कि पूरी तरह से योजना प्रभावित हुई है, तो उसके लिए राज्य सरकार स्वयं दोषी है, क्योंकि आज से जो पूर्व 2019 में जब विधानसभा इलेक्शन होना था तो उन्होंने हमारे साथ रात्रि चौपाल और संविदा संवाद के तहत माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आकर के कहा था कि आपको अब आगे से कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं करना पड़ेगा, कभी धरना आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, आपको हम आश्वस्त करते हैं कि आप लोग सहयोग करें और हमारी सरकार बनाइए, हमें सरकार बनाइए, और सरकार बनते ही 3 माह के अंदर आपको हम संविदा शब्द से हटा देंगे और 3 माह के अंदर में संविदा वर्ड हटा देंगे और आपको परमानेंट कर देंगे। लेकिन अब लगभग ये कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, अब तक इन्होंने हमें नहीं सुना और नहीं, इसलिए बाध्य होकर हम लोग हड़ताल पर आए हैं आज लगभग 4.5 साल के अंदर। तो ये हड़ताल पूरी तरह आर और पार की लड़ाई जी, इस बार हम लोग सोचे हैं कि आर या पार, या तो नौकरी रहे या तो जाए, या तो हम लोग स्थायीकरण रहेंगे लेके आएंगे, नहीं तो नौकरी छोड़ देंगे।
नौकरी रहे या जाए, कितना परेशानी होगा नौकरी जब नहीं रहेगा तो? परेशानी नौकरी रह के भी है, नहीं रह के रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है? पूरा आर पार की लड़ाई कर रहे हैं जी, घर में बोल दिए हैं। लेकिन सर हड़ताल में एक प्रॉब्लम आता है कि जो फाइनेंशियली है वह रुक जाएगा, हड़ताल जब होता है तो सरकार क्या आपको पेमेंट देगी बैठा कर? नहीं, हड़ताल में नहीं देगी, लेकिन सर ऐसे भी तो घुट घुट के ही जी रहे हैं हम लोग, ऐसे भी अच्छा स्थिति नहीं है हम लोग की। अब एक आज के समय में एक आदमी को 12,000 वेतन दिया जा रहा है, ये कहाँ से न्याय संगत है आप ही बताइए। सीधा सीधी यही सवाल है कि हम घुट घुट के जी रहे हैं, अब हम मरेंगे या मर जाएंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये हड़ताल टूटेगा नहीं, या हड़ताल अनिश्चितकालीन लागू हो चुका है। जब तक सरकार टेबल में बैठ के ठोस फैसला नहीं देती है, इनके पक्ष में नहीं देती है, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। अब देखना है कि चुनाव का समय है, सरकार के पास समय कम है, सरकार के जो बजट आने वाले हैं क्या इसमें वह बजट में यह मांग पूरा किया जाता है कि नहीं किया जाता है, या तो समय बताएगा। लेकिन मनरेगा कर्मचारी, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए, लड़ाई में कौन जीतेंगे हमें भी नहीं पता, लेकिन लड़ाई बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है और सरकार को मजबूर कर देगा कि आप इसकी मांग मानिए, या कहना झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ के द्वारा है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।